अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। पहले सबसे इम्पोर्टेंट चीज निर्वाचन का कार्य। तो मध्य प्रदेश में अगर हम अपनी बात करें, देवास जिले की बात करें, तो हमारे यहाँ दो फेज में, टोटल देश में 7 फेज में हो रहे हैं। जो हम थर्ड फेज है ईसीआई का, वो हमारा पहला रहेगा, और जो ईसीआई का फोर्थ फेज है वो हमारा दूसरा। तो जो हमारा दूसरी हम बात कर रहे हैं, वो हमारा 18 नंबर पार्लियामेंट के मतलब से दिशा ये रहेगा, जिसमें हमारी विधानसभा आती है खाते। इसके डेट्स और 28 खंडवा, इसमें हम इसके डेट्स घोषणा आज हो गई है। जो सूचना जो नोटिफिकेशन जो पहला फेज रहेगा उसकी हम बात कर रहे हैं, वो हमारा 18 नंबर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी विदिशा ये रहेगा, जिसमें हमारी विधानसभा आती है खाते। इसके डेट्स घोषणा आज हो गई है, इसका नोटिफिकेशन 12 अप्रैल को होगा। नाम निर्देशन बेसिकली उस दिन से स्टार्ट हो जाता है, नॉमिनेशन नाम निर्देशन की लास्ट डेट 19 अप्रैल रहेगी। नाम निर्देशन की समीक्षा जो स्क्रूटनी होती है वो 20 अप्रैल। जो अधिक उम्र और दिव्यांगता के कारण पोलिंग स्टेशन पर जाने में कामयाब नहीं, वो वोटिंग से वंचित ना रह पाए, उसके लिए उनके लिए एक्स्ट्रा। बट जो लोग जा सकते हैं दिव्यांगता के बावजूद भी, अधिक एज के बावजूद भी, आयोग उनसे रिक्वेस्ट करता है कि वो अवश्य जाएं। हमारा ये मतदाताओं की जो बात की कि कितना एफर्ट लगा है पिछले 2 सालों में मतदाताओं की संख्या को अच्छा करने के लिए, और जो हमारी मतदाता सूची है वो एक टूटी रही रहे उसके लिए। तो हमारे फाइनली जो पोलिंग पे जा रहे हैं कुल मिला के 12,17,000 99 वोटर वोट डालेंगे हमारे जिले में, जिसमें पुरुष 6,20,918 होंगे। बिहारी सिंह SDM देवास विधानसभा के लिए, और श्री प्रवीण प्रजापति कहाँ बैठे हैं, प्रवीण प्रजापति बैठे हैं हमारे जॉइंट कलेक्टर हैं, ये हार्ड के प्लेयर हुए। विदिशा के लिए RO रहेंगे कलेक्टर राय सिंह, और इसमें ARO हमारी तरफ से प्रिया मैडम रहेंगी SDM खाते। 28 खंडवा के लिए RO रहेंगे कलेक्टर खंडवा, और हमारी तरफ से बागली कॉन्स्टिट्यूंसी आती है उसमें SDM बागली आनंद मालविया ARO। नेक्स्ट आ जाएं, जैसा कि हम जानते हैं कि आज माननीय आयोग कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद में चुनाव की विधिवत घोषणा कर दी गई है। आज हमको क्या चुनाव का शेड्यूल रहेगा वो भी चल गया है पता, और उसी के साथ MCC भी संपूर्ण ज़िले में लग गई है। इसी के साथ ही जो 144 के ऑर्डर्स हैं MCC संबंधित वो भी जारी हो गए हैं। संपत्ति विरूपण की कार्रवाई लगातार हमारी चल रही है, इसके अलावा कोलाहल अधिनियम के अंतर्गत भी कार्रवाई इसमें की जाएगी। आज जैसा कि फॉर्मेलिटी रहती है, एक स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये दोनों आयोजित की जाती हैं, ये दोनों आज आयोजित की गई हैं, और चुनाव आयोग के जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं उनके बारे में आज सबको इन्फॉर्म किया गया है। हमारे ज़िले में कुल 12,17,000 वोटर्स हैं, जिसमें 6,20,000 पुरुष, 5,96,000 महिलाएँ एवं 13 अन्य कैटेगरी के वोटर्स हैं। सर, कई बूथ स्थल ऐसे अलग भी हैं जिनमें कई व्यवस्थाएँ नहीं दिख पाते, क्या उसके लिए अलग से रहेगी? वैसा तो इस बार प्रयास रहेगा कि ऐसा कोई भी पोलिंग बूथ ना हो जहां पर व्यवस्थाओं का कहीं पर भी अभाव रहे। अलग से बूथ लेवल अवेयरनेस ग्रुप्स का भी गठन किया गया है इस बार, जिसमें वहां की लोकल आंगनवाड़ी, लोकल टीचर्स, लोकल GRS सभी लोग रहेंगे। बस सबका प्रयास यही है कि जितने भी हमारे मतदाता आते हैं किसी को भी कोई प्रकार की असुविधा ना हो। ठीक सर, ठीक। मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए जैसा कि माननीय आयोग की भी इच्छा है कि अधिक से अधिक, आज जैसे माननीय CEC महोदय ने 4 से 5 बार ये बात कही कि आप सब आइए, इस उत्सव का हिस्सा बनिए। तो अलग अलग जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, जैसे कि एक हमारा यूथ, एक हमारे महिलाएं, एक हमारे दिव्यांग साथी, वैसे ही हमारे वृद्धजन, अलग अलग स्टेक होल्डर्स के लिए अलग अलग
टारगेट अप्रोच की जाएगी जिसको स्वीप के माध्यम से लागू किया जाएगा। प्रयास यही रहेगा कि अधिक से अधिक सुविधाएं हमारे पोलिंग बूथ पे हों जिससे किसी को भी पोल डे पे कोई कठिनाई का अनुभव ना करना पड़े। सर, देवास जिले में 3 लोकसभा लग रही है, किस तरह की तैयारी है क्या? हमारे यहाँ पर 3 लोकसभा लग रही हैं और 2 फेज में देवास जिले में चुनाव होगा। पहला जो हमारी विदिशा लोकसभा है जिसमें हमारी खातेगांव कॉन्स्टिट्यूएंसी आती है, उसका चुनाव हमारा 7 मई को रहेगा और उसकी काउंटिंग 4 जून को रहेगी। इसके अलावा जो हमारी बची हुई 4 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, देवास, हाटपिपलिया, सोनकच्छ, ये आती हैं तीनों हमारे देवास शाजापुर में, और बागली आती है हमारी खंडवा पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में। इन चारों का सेकेंड फेज में चुनाव रहेगा। 13 मई को इसकी पोलिंग होगी और 4 जून को इसकी काउंटिंग की जाएगी। लगभग सारी तैयारियां हमारी पूर्ण कर ली गई हैं। सेक्टर अधिकारियों से लेकर कौन से पोलिंग पार्टीज रहेंगी, उन सबके हमारे डेटाबेस तैयार हो गए हैं। अब जैसे जैसे चुनाव का घटनाक्रम आगे बढ़ेगा, डेट्स के अनुसार आगामी कार्रवाइयाँ की जाएंगी।